बिल्डिंग है, अब इन लोग जो खाली ये बिल्डिंग छोड़ते हुए ये पुरानी बिल्डिंग छोड़ते हुए ये सब आपने तोड़ना है पूरा। ये हो जाएंगे अब ये पूरा आपका ये टूटेगा सब और आपकी बिल्डिंग को लगी बिल्डिंग भी टूटने वाली है एनिमल हाउस है। ये जितने एक्सेप्ट आपकी पुरानी बिल्डिंग पूरे अब काम शुरू होने वाला है वो काम जो है सो टूटना तो एक ही दिन में कल से शुरू आता था परसों से। तेलंगाना के हैदराबाद संसदीय क्षेत्र के चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी निजामिया तिब्बी कॉलेज एवं यूनानी अस्पताल एवं छात्रावास ये ऐतिहासिक स्थान के नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन के जल्द ही कार्य शुरू होने वाले हैं एवं इस संबंध में तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री जल्द ही इसका आधारशिला भी रखेंगे। ये सभी कार्य AIMIM के लगातार प्रयासों एवं AIMIM पार्टी की गंभीरता को देखते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अनुमति प्राप्त की है एवं 52.5 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण एवं पुनर्स्थापन के कार्य जल्द शुरू हो रहे हैं एवं कल तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विभाग के आला अधिकारी AIMIM के कार्यालय दारुसलाम प्रवेश किए थे। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी के साथ इन कार्यों को लेकर कई देर तक समीक्षा की थी एवं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी अधिकारियों ने अकबरुद्दीन अवेसी के साथ चर्चा की थी। इस समय AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फ़िकार अली भी उपस्थित थे। AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवेसी ने विधायक जुल्फ़िकार अली को दिशा निर्देश दिए थे। इस विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज प्रवेश करे वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ इन कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक करे एवं विधायक जुल्फ़िकार अली ने अकबरुद्दीन अवेसी के दिशा निर्देश पर चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज प्रवेश किए और वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ इस विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ कई घंटों तक चर्चा की। विधायक ने जिम्मेदार व्यक्तियों से कहा जल्दी ये पूरा खाली करें। विधायक को जिम्मेदार व्यक्तियों ने कहा इस स्थान में जो लड़कियों का छात्रावास है इस छात्रावास के छात्रों को दूसरी बिल्डिंग में स्थानांतरित करना है इसके लिए सरकार से हमें बिल्डिंग की व्यवस्था प्राप्त करवाइए। विधायक ने कहा इसके लिए भी अकबरुद्दीन अवेसी ने बात की है और सरकार पूरी जगह प्राप्त करेंगी। AIMIM पार्टी इसके लिए भी प्रतिनिधित्व करेंगी। विधायक ने कहा असदुद्दीन अवेसी एवं अकबरुद्दीन अवेसी के लगातार प्रयासों और सफल प्रतिनिधित्व एवं गंभीरता को देखते हुए ही सरकार ये कार्यों के लिए पहले प्राथमिकता दी है और ये कार्य 2 दिन में ही शुरू होने की संभावना है। इस समय विधायक ये भी बोले AIMIM पार्टी एक तरफ विकास और प्रगति करवा रही है तो दूसरी ओर AIMIM पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा में भी अनगिनत कार्य करवा रही है। स्वास्थ्य के केंद्र में भी AIMIM पार्टी जो ये कार्य करवा रही है ये ऐतिहासिक कार्य है। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र पर्यटकों की नगरी बन गया है। दुनिया भर से पर्यटक चारमीनार देखने के लिए आते हैं। जब ये चारमीनार यूनानी अस्पताल के कार्य समाप्त होंगे तो तेलंगाना का जो ये एक यूनानी अस्पताल है ये भी पर्यटक देखेंगे। जो भी हो AIMIM पार्टी जो कार्य करवा रही है इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकते। उस प्रकार से कार्य AIMIM पार्टी सरकार द्वारा करवा रही है ये AIMIM पार्टी की मजबूत उपस्थिति है और असदुद्दीन अवेसी एवं अकबरुद्दीन अवेसी की सरकार के सामने मजबूत उपस्थिति दर्ज होने के बाद ही ये कार्य तेज गति से हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत की तरक्की।